प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है पुस्तक। सुंदर चित्र दिखाती पुस्तक, सबके मन को भाती पुस्तक, ए बी सी डी ई 1 2 3 आ ई ऊ सिखलाती पुस्तक, कुर्सी पर बैठे बैठे ही जग की सैर कराती पुस्तक, खेल खिलौने खो जाए पर जीवन भर की साथी पुस्तक। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। सुप्रभात शिक्षिका जी, आज मैं एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है सब्जी वाला। मम्मी जल्दी बाहर आओ, सब्जी वाला आया है। आलू मटर भिंडी पालक लौकी शलजम लाया है। गोल गोल है लाल टमाटर बैगन मोटे मोटे, गोभी खिली फूल सी पर टिंडे छोटे छोटे हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। सुप्रभात शिक्षिका जी, आज मैं एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है मेरा घर। मुझे ऊंची मिली हवेली या मिल जाए राजमहल, छप्पर की कुटिया हो चाहे वृक्षों की छाया शीतल, मेरा घर ये नहीं बनेगा चाहे कितना सुंदर। मेरी माँ जिस जगह रहेगी वही बनेगा मेरा घर। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। सुप्रभात शिक्षिका जी, आज मैं एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है नन्हे नन्हे तारे। नन्हे नन्हे देखो तारे, झिलमिल झिलमिल करते सारे, आसमान में रहते सारे हंस हंस कर वे मुझे पुकारे, चमक चमक कर हंसते सारे सबको प्यारे लगते तारे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। सुप्रभात शिक्षिका जी, आज मैं एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है चार नौकर। मेरे पास है नौकर चार, हर दम रहते हैं तैयार, दो तो हैं ये मेरे हाथ देते मेरा हर दम साथ, दो ही हैं ये मेरे पैर मुझे कराते हर दिन सैर, ना पीते ना खाते हैं जहाँ कहो मुझे ले जाते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। सुप्रभात शिक्षिका जी, आज मैं एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है